परमेश्वर का आत्मा कहता है अपने बलबूते पर मूसा के माता पिता ने उसे कुछ समय तक छुपाने में वे सफल हुए, लेकिन जब वो बड़ा हुआ, जब वो बड़ा हो रहा था, उसके रोने की आवाज़ की वजह से जब वो उसे अपने घर में नहीं रख पाए, तब वो अपनी परिस्थिति के सामने हार कर उन्होंने मूसा को नील नदी में छोड़ दिया। आज मेरे बहुत से लोग अपनी बुद्धि का आसरा लेते हुए, अपनी समझ का आसरा लेते हुए वे अपनी जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, और उस वजह से वे अनेक परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। लेकिन जिस तरह मूसा की मां ने मूसा को मेरे हाथ में सौंप कर, मुझ पर विश्वास कर कर उसने उसे पानी में छोड़ दिया, वैसे ही अगर आज तुम अपने आप को मेरे हाथ में देते हो, अपनी समझ और बुद्धि का सहारा ना लेते हुए अपने आप को पूर्ण रूप से मेरे हाथ में अगर सौंपोगे, तो मेरे कार्य को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, अपनी सेवा में तुम होते हुए देखने पाओगे। याद रखो, जब मूसा की मां ने मूसा को मेरे हाथ में सौंप दिया, मैंने उसे राजघराने में पहुंचाया। अगर तुम अपने आप को मेरे हाथ में सौंपोगे, अगर तुम अपने टैलेंट्स को, अगर तुम अपने गिफ्ट्स को, अगर तुम अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपनी सेवा को, अपनी कलीसिया को अगर मेरे हाथ में सौंपोगे, तब मैं उसको जहां पे पहुंचाना है, मैं पहुंचाने के लिए सक्षम परमेश्वर हूं। अपनी समझ और बुद्धि का सहारा मत ले मेरे बेटे और मेरी बेटी। तू ज्यादा समय तक अपने कार्य में सफल नहीं होगा, लेकिन याद रखो, जब मूसा की मां ने मूसा को मेरे हाथ में सौंपा, मैंने उसे पढ़ाया, लिखाया, एक शूरवीर बनाया, और उसी वजह से बाइबल की पहली 5 किताब को तुम पढ़ सकते हो, क्योंकि एक मां ने अपने बेटे को मेरे हाथ में दिया। जब तुम अपने टैलेंट्स को, जब तुम अपने गिफ्ट्स को, जब तुम मेरे दिए हुए वरदानों को जब तुम मेरे हाथ में दोगे, तब मैं उसे लाखों लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनाने के लिए सक्षम परमेश्वर हूं। अपने आप को अकेला समझने की जरूरत नहीं है, अपने आप को कंगाल समझने की जरूरत नहीं है। सोना और चांदी मेरा है, स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरी चौकी है, इसलिए मुझ पे भरोसा रखते हुए
आगे चलने की आवश्यकता है। तुम में से बहुत उस पंछी के नाई हो जिसका एक पंख शिकारी के मारे जाने से, शिकारी के गोली मारने से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तुम उड़ना चाहते हो लेकिन तुम एक पर से उड़ नहीं सकते। ऐसे घाव लेकर तुम आज मेरे सन्मुख में बैठे हो, लेकिन याद रहे मेरा वचन क्या कहता है, जो मुझ पर विश्वास रखते हैं वो एक को 1,000 को और 2 10,000 को भगाएंगे। मैं तुम्हें सामर्थ से भरूंगा, मैं तुम्हें अपनी अभिषेक से भरूंगा, मैं तुम्हें अपने दान वरदानों से भरूंगा, ताकि तुम फिर से उड़ पाओ, तुम फिर से जिस कार्य के लिए मैंने तुम्हें चुना है वो कार्य को तुम कर पाओ। शैतान ने तुम्हें बैठा के रखा है, लेकिन याद रहे मैंने तुम्हें बैठने के लिए नहीं बल्कि उड़ने के लिए चुना है। मैंने तुम्हें गिरने के लिए नहीं दौड़ने के लिए चुना है। मैं तुम्हें पूछ नहीं बल्कि तुम्हें सर बनाऊंगा। मैं तुम्हारा मुंह कभी काला होने ना दूंगा, ऐसा परमेश्वर का आत्मा कहता है।